Namaskara and welcome to BIC Talks, a podcast brought to you by Bangalore International Center, where we present conversations that move, inform, and encourage discourse. जो कुमार जी परफॉर्मेंस में गाते थे वो वाकई प्री कंपोज प्रोडक्ट नहीं था, अनलाइक हिज मेनी कंटेम्पररी। मैं नाम नहीं लेता हूं या लेता भी हूं, भीमसेन जोशी, वो क्या करेंगे प्रेडिक्टेबल था। नोटेड म्यूजिशियन एंड स्कॉलर सत्यशील देशपांडे डेल्व्स इनटू एंड डीमिस्टिफाइज द म्यूजिक ऑफ हिज गुरु पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्वा इन एन इलस्ट्रेटेड टॉक। दिस रिच फ्लेवरफुल महफिल इन हिंदी विद सम इंग्लिश विल बिगिन विद अ रिकॉर्डिंग ऑफ कुमार गंधर्वा द चाइल्ड प्रोडिजी बिफोर मूविंग ऑन टू इंक्लूड बोथ स्पीच एंड सॉन्ग दैट स्पैन द मेनी फैसेट्स ऑफ हिज म्यूजिकल पर्सनैलिटी एंड आइडियाज एज दे इवॉल्व फ्रॉम द 1950s to 1992 when he passed. Satyashil Deshpande will also share anecdotes from his years with Kumarji, who was a close friend of his father, the renowned musicologist Vaman Rao Deshpande, visiting and staying at their culturally vibrant Valkeshwar home in South Bombay, along with other great musicians of the era. This episode of BIC Talks covers the following aspects of Kumar Gandharva's journey in music: Parampara, Rag Vichar, Navsarjan, Gayaki, and Bhavishya. Satyashil Deshpande will be accompanied by his disciple and son, the performer, teacher, and archivist of Hindustani Khayal music, Srijan Deshpande on vocal support, and Rupak Kharwandikar on tabla. This event took place in the BIC premises in June 2023. बंगलोर के सभी रसिक संगीत प्रेमी लोगों को मेरा प्रणाम। आज का स्वरूप है गपशप, कुछ गाना, कुछ वीडियो। तो मैं इस भूमिका से यहाँ पर बैठा हूँ कि मेरा नाम देशपांडे है, उपदेश पांडे नहीं है। तो कोई उपदेश न करूँगा मैं, न कभी कुमार जी ने किया। पहले ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुमार जी ने कभी स्वयं खुद दावा नहीं किया कि मैंने संगीत में क्रांति की है और मैंने एक रिवॉल्यूशन किया है। वो अपने आप को एक ख्याल संगीत के परंपरा की एक कड़ी मानते थे, पर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस जो कि और लोगों ने दिए नहीं, वो रसिक श्रोताओं के सम्मुख रख दिए। और आप सुनिए उनको, यही उनका दृष्टिकोण था। अब जब हमने ये रिकॉर्डिंग सुनी है, ये 36-37 के रिकॉर्डिंग्स हैं, तो ऐसा नहीं कि फैयाज का गुजर गया और उन्होंने वो रिकॉर्ड सुनी। उन दिनों वो इन लोगों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में खुद गाते थे। एक तो किस्सा ऐसा हुआ कि जब उन्होंने फैयाज का साहब की बनाओ बतिया सुनाए, तो फैयाज का साहब ने आधे पौने घंटे का ब्रेक दिया और बोला फिर मैं गाता हूँ, क्योंकि बच्चा गाता है तो एक हवा बन जाती है। तो कुमार जी और मैं ऐसा विषय है। बचपन के कुछ संस्मरण पहले सुनाता हूँ। मैं बचपन में मैं भी गाता था, और जब मैं 11-12 साल का था उम्र का, तो मैं कुमार जी के बंदिशें मुझको यूं ही याद हो जाती थी। तो एक टूर में मुझे अपने साथ ले गए, नागपुर, रीवा, जबलपुर, इलाहाबाद, भोपाल एंड देन देवास। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू देवास। और हर जगह उनके पहले मैं 15-20 मिनट गाता था, बिकॉज देवधर जी से मैं सीखता था और देवधर जी के एक शिष्य थे श्याम गुप्ते। अब कुमार जी और मेरे घर में मेरे पिताजी के कारण हर घराने के गायक लोग हमारा घर अपना घर समझते थे। जैसे किराना घराने के जितने लोग थे, हीराबाई बड़ोदेकर, बसवराज राजगुरु, भीमसेन जी, मेरे पिताजी को जयपुर घराने की तालीम लेते थे तो केसर भाई केरकर, मुगुबाई कुर्डीकर, निवृत्ति बासरनाइक, ये लोग आते थे। ग्वालियर घराने के लोग आते थे, देवधर जी तो उनके खास मित्र थे। तो मैंने बहुत गाना बचपन में सुना,
डिस्ट्रैक्शन के लिए ना कोई उधर तभी मोबाइल था, ना कोई टीवी था, कुछ नहीं था, तो गाना ही गाना था। तो एक बार 10-11 साल की मेरी उम्र होगी और बंबई के सीजे हॉल में केसरीबाई केरकर का प्रोग्राम था, शाम का वक्त था, और मैं ऐसे स्टेज के पास जाकर के ऐसे स्टेज पर हाथ रख के बैठा था, और जैसे उधर केसरीबाई केरकर का गाने का अपना परफॉर्मेंस चल रहा था, ऐसा मेरा दाद एक रसिक के नाते दाद देने का परफॉर्मेंस भी चल रहा था। सो मच सो कि केसरीबाई गॉट इरिटेटेड। तो उन्होंने बोला ये कौन है? तो किसी ने कहा वामनराव जी का बेटा। सो शी थॉट आई एम द सन ऑफ वामनराव सडोलीकर। फिर उन्होंने कहा इसको तालीम दो और पहले तमिल सिखाओ। अब मैं डर गया कि वामनराव सडोलीकर मुझे सिखाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो केसरीबाई तब गा रही थी गौरी, और उनका शी वॉज इन अ फुल फॉर्म इन अर्ली 60s, और उनकी वो बुलंद आकार, जनरली केवल जितने यहाँ पर संगीतकार बैठे हों उनको मैं एक बात बताता हूँ कि केवल आकार की साधना करने से वो आकार बड़ा ड्राई हो जाता है। जैसे पर जब आकार इकार उकार उकार सब पर प्रभुत्व हो तो आकार को एक गोलाई आती है, ऐसे केसरीबाई की गोलाई थी। और उन्होंने शुरू किया राग गौरी, और उनका इतना प्रभुत्व था कि वो जो राग के जो ठहराव के स्वर है जिसे न्यास स्वर कहते हैं, वहाँ पर आंखें फाड़ के ऐसे वो बताती थी। तंतुरा ऑडियंस में सुनना चाहिए। तंतुरा अनमल कैन यू हियर तंतुरा? गौरी ऐसा आंखें फाड़ के जैसे भाले किसी के आंख में कोई डाले, इस तरह से गाने का राग है। तो ऐसे में गाता रहा, गुनगुनाने लगा। फिर बहुत दिनों के बाद कुंवर जी आए, तो ऐसे बात निकली और वो मेरे पिताजी को गौरी सुनाने लगे। तो उन्होंने गौरी के यही स्वर यही चलन रखा। देखिए हसरिया सब सखियन मिला घूंघट खोलो ना जी। अभी
ट्रैफिक में ये दैवत उन्होंने कैसे ढूंढ के निकाला। तो गौरी का मतलब जो भाले चुपते थे केसर भाई की आंख में, तो ये तो मोर पंख हुआ जो बदन पर सिहर उठा है। तो ये कुमार जी से मुझे बहुत ऐसे राग के प्लूरल एग्जिस्टेंस के सबूत मिले, और उसमें से वो कई बातें ऐसे कहते थे कि ये मेरी खोज नहीं है, ये पुरानी बातें जो लुप्त हो गई है, जो लोग अब भूल चुके हैं। दूसरी एक बचपन की मिसाल है, आई एम टेलिंग यू भाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू कुमार जी। तो हमारे पिताजी जयपुर घराने के गायक थे, दो ही वॉज एन एमिनेंट चार्ट अकाउंटेंट बट इज मोर नोन एज ए म्यूजिकोलॉजिस्ट। तो जब उनका रेडियो प्रोग्राम आता था हर 3 महीने के बाद, तो उनका रियाज जोरों से शुरू हो जाता था। मोगू भाई जी आती थी, तबला प्लेयर आता था, तो बाहर के हॉल में कुमार जी और हम बैठे थे, अंदर उनका रियाज चल रहा था। हम बोलो ड्राइंग रूम से कुमार जी चिल्लाए, वामन राव वो गंधार को आपने क्यों घर के बाहर निकाल दिया। तो पिताजी ने कहा अच्छा बाहर निकाल दिया, तो अब उसको वापस घर कैसे बुलाऊं, आइए बताइए गंधार को वापस कैसे आना। तो कुमार जी जो बंदिशे गाते थे उनकी ज्योग्राफी इतिहास और वो जिस जमाने में वो गाई गई बनाई गई उसका एक कल्चरल रेफरेंस भी उनके पास था, वो सहसा गवैयों के पास नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि बारह सैया यानी छुटपन में शादियां होती थी, 8 साल का दूल्हा और 6 साल की दुल्हन, और वो दूल्हा शादी खेलते खेलते कहीं खेलने में गिल्ली डंडा खेलने में बिजी हो गया और उसको ढूंढ रही है समधन। तो कुमार जी जब नंद गाते थे तो उसमें एक वात्सल्य भाव आ जाता था, जो एक माँ का दुलार बेटे के प्रति होता है उसकी झांकी मिलती थी। जैसे कितना सुंदर है, ढूंढू बारे सैया तो सकल, देखो सकल धनी कुमार जी कहते थे कि पुराने ग्वालियर घराने में बात थी आगे जाके लोग भूल गए, तो फिर लोग कैसे गाए नंद ये मारे सैया, इतना डिसजॉइंटेड लगता है लाइक द एकॉस्टिक्स ऑफ दिस प्लेस एंड दैट प्लेस ये मारे सैया बिदना। Oh
प्यारे ये भी ये बारी ऐसा नहीं कर रहे हैं ना वो ये बारी सैया किसी छोटे बच्चे को नजर ना लगे तो डिठा ना लगाते हैं मराठी तिट मंडा सको तिट लगे तो डिटे 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 नहीं डिटे हाँ तो डिठा ना तो इस पर लोगों ने इतना बवाल मचाया कि ये गलत करके रखा रहे हैं और धनी सा ये क्यों कर रहे हैं तब इन लोगों को कौन बताए कुमार जी किसी के मुंह नहीं लगे क्योंकि जिन बुजुर्गों को उन्होंने सुना जिनके साथ वो गाए वो लोग ऐसा गाते थे तो ढूंढू बारे सैया सारी दुनिया हिंदुस्तान में नंद में ढूंढू बारे सैया की ही बंदिश गाती है अनमोल बाय द वे ऐसे बहुत लोग हमारे संगीत में कहते हैं कि राग गाना चाहिए तो बंदिश में जैसा राग है वैसे गाना चाहिए पर इन लोगों के पास हर एक राग में एक ही बंदिश होती है तो मतलब क्या हुआ उसका व्हेन यू नो टू मेनी कॉम्पोजिशंस इन द राग तो फिर हर एक बंदिश में जो राग है उसके अनुसार गाने में मतलब की बात है तो इसीलिए कुमार जी ने एक बंदिश बनाई हाँ पहले उन्होंने जो पारंपरिक बंदिश है उसको बदला तब लोगों ने गुस्सा किया वो बंदिश है जैसे सारी दुनिया आज भी गाती है ये शाम आज होने ये शाम बहुत दिन बीते आज होने ये शाम बहुत दिन बीते आज सच अ नॉवेल म्यूजिकल क्या प्रगतिवादी क्योंकि आज हूँ ये शाम आज हूँ इससे वो आवृत्ति करने के लिए बंदिश की आवृत्ति करने के लिए सहूलियत हो जाती है दैट सागा प्रोवोक्स यू टू रिपीट द लाइन एंड मेक वेरिएशंस अगर ये शाम यहाँ पर ये शाम बहुत दिन आगे चले गए अरे पर शाम को फिर से बुलाना है तो ये शाम आज हूँ शाम 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 आज सोच रहे ये शाम आज ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे संगीतकार भूल चुके थे उनको कुमार जी ने तरोताजा किया और इस तरीके से उनके अजहुनाए गाने पर जब बहुत बवाल मच गया टीका हो गया तो उन्होंने अपनी बंदिश बनाई राजन ऐसे कुमार जी को एक बुरी आदत भी थी मैं उनके साथ बहुत मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है जब हमारे घर पर आते थे तो मेरे पिताजी का कमरा कैसे होना चाहिए ये इसका इंटीरियर डेकोरेशन ये बदल देते थे और करते थे मतलब मेरे पिताजी की जो भी सौंदर्य दृष्टि होगी उसका इंसल्ट है ना वो पर कुमार जी हर जगह ऐसा करते थे और तो पुराने बंदिशों को भी उन्होंने बहुत सुधारा तो पुराने जमाने के लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई बहुत सारा टीका किया तो उन्होंने खुद की रचना है देखिए राजन अब तो आजा रे आजा राजन
अब तो आजा राजन, अब तो राजन, अब तो आजा रे आजा राजन, अब तो आजा रे राजन, अब तो आ राजन, अब तो राजन, अब तो जरा आखन में राजन, अब तो आजा रे राजन, तिरन रे तिरन रहत कजरा आखन में राजन, अब तो ये भूली हुई फ्रेज उन्होंने फिर से एस्टैब्लिश की। तो मैंने ये सोचा नादन साधन सगद पर ये आरोह से अगर नंद बिगड़ता नहीं है तो आवरोह से इन डिसेंडिंग क्यों बिगड़ेगा, कोशिश तो करके देखते हैं। तो मैंने एक बंदिश बनाई जो कुमार जी को बहुत प्रिय थी, लगाए लगे ना, लगाए लगे ना, लगे ना मन कहीं, लगाए लगे ना, लगे ना जन से लागी अब नई लगन, लगाए लगना लगना मन कही, सजन से लागी अब नई नव सजन से लागी अब नई नवेली लगन, लगा ये लगे ना मन
सुनिए स्ट्रक्चर कितना सुंदर है। Again, I'll come back to the plural existence of राग, क्योंकि इतना rigid हो चुका था हमारा संगीत विचार। हाँ, एक मैं बात बताना चाहता हूं, जो कुमार जी परफॉर्मेंस में गाते थे वो वाकई प्री कंपोज प्रोडक्ट नहीं था, अनलाइक हिज मेनी कंटेम्पररी। मैं नाम नहीं लेता हूं या लेता भी हूं, भीमसेन जोशी, वो क्या करेंगे प्रेडिक्टेबल था। और हमारे घर में मैं शुरू में भीमसेन जी का इतना फैन था क्योंकि हर वक्त जब वो घर में ठहरने आते थे तो मेरे लिए एक रावल का और टॉफी का छोटा डिब्बा और चंदा मामा लेके आते थे, और कुमार जी झोली लटका के आते थे और फिर चले जाते थे, हमको कुछ नहीं देते थे। तो घर में जो किराना घराने का एटमोसफियर था वो कुछ ऐसा था, हीरा भाई बड़ोदेकर, बसवराज, भीमसेन, कि जितने ये नेजल साइनस जहाँ पर रहना जहाँ पसंद करता है वो सब कैविटीज और गले के पीछे की कैविटीज का उपयोग करके आवाज़ को एक नोक लाना, उसका एक पिन पॉइंटेड ब्रश बनाना स्वर की रेशाएं साकार करने के लिए, जैसे तोड़ी चल रहे आपको मैं अब मोरे राम गा रहा हूं, ये पहले से पता होगा तो आपको वो शब्द सुनाई देंगे, क्योंकि अब्दुल करीम खान साहब का सौंदर्य विचार ऐसा था कि वो अब ऐसा ब का स्पष्ट उच्चार करेंगे तो ऋषभ के आत्मा को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि शब्द प्रधान गायकी है नहीं। तो मेरे पिताजी का एक किस्सा है, उन्होंने अब्दुल करीम खान का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था तो उन्होंने रे रे काम किया, सारे गम फिर सारे गम मीरे गम रे गम गम पे मध्यम पे धैवत पे ऊपर का छड़े जब भी नहीं किया था तो डेढ़ घंटा हो गया, एंड इन दैट टू रुपी टिकट देयर वाज अ स्नैक एंड कॉफी इनवॉल्वड। तो वो कैंटीन वाला आया और वो बोला कि अभी इंटरवल करो नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ, एंड नो वन वुड गेट अप। वो केवल सुरों का ऐसे असर रहा जैसे किसका वो मोमिन का शेर है ना, नावक अंदाज जिधर दीद आए जाना निकले, नीम बिस्मिल कई बेजा निकले, ऐसे कुछ तो रुमाल से आंख पहुंचे और किसी के आंसू नहीं टपके हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, और नो वन गॉट अप एंड माय फादर देन इन द एंड दैट कॉफी गॉट स्पॉइल्ड एंड हैड टू थ्रो इट अवे इन द बाथरूम, सो बीइंग एन अकाउंटेंट ही पुट दैट एक्सपेंस अंडर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब सुरों का असर दूर रहा, उन्होंने वो ऑडिटिंग पहले किया।
तो ये ऐसा गाना है, मैं सुर का आनंद मैंने बहुत लिया, पर इनेविटेबली ऐसे एक एक सुरों पर काम करने से वो गाना प्रेडिक्टेबल हो जाता है। एंड एक बार कला प्रेडिक्टेबल हो गई तो उसका आधा जम गया। किराने घराने के ऐसे प्रेडिक्टेबल लगाव में पेचीदगी लाई आमिर खान साहब ने, पर आज आमिर खान साहब पर बोलना आज का विषय नहीं है, अदरवाइज आई कैन गिव अ फुल लेक्चर विद सो मेनी इंसाइट्स ऑन आमिर खान। फिर कभी इस मुकाबले में कुमार जी उन दिनों गाया जाने वाला तोड़ी, जो केवल कृष्णराव शंकर पंडित और राजा भैया पूछवाल से उन्होंने पाया था, उसका मुखड़ा सुनिए कि ये जो एक लिनियर डेवलपमेंट है किराने की, तो ग्वालियर पूरा डेढ़ सप्तक कवर करता है। दैट्स व्हाई जो शुरू में हद्दू हसुखा और ग्वालियर घराने में जो ख्याल गाया, दैट वॉज क्लोजर टू कर्नाटिक म्यूजिक ऑल्सो, ऐसा कहते हैं जैसे कुमार जी ने मुझे सिखाया हुआ, और इसका नोटेशन अभी है नहीं, नहीं इसका नोटेशन है मेरे पास इतना, टू फुल स्केप पेजेस में कुमार जी के अक्षरों में, तिन कीट ता ती Yeah,
करते थे उतना ही वो आगरा घराने पर करते थे, क्योंकि उनको जो गुरु मिले देवधर जी, वो कुमार जी भाग्यशाली थे और हम लोग भाग्यशाली थे कि हमें कुमार जी मिले, क्योंकि देवधर जी थे। हैड कुमार जी गॉन टू लर्न फ्रॉम केसर भाई, ही हैड बिकम धोंदुताई कुलकर्णी। अगर वो फैयाज के पास जाते तो वो लताफत खान बनते। तो देवधर जी ने उनको सबका गुण लेने को कहा और अपने आवर्तन अपने तरीके से बांधने पर मजबूर किया, वो बांध के नहीं दी। वो ही कुमार जी ने हमारे साथ किया। मिसाल के तौर पर तुम्हें जाना लगे रहना मोरी श्याम सुंदर वा में तभी तुम्हें। जब हमको सिखाते थे कुमार जी तो आगरा घराना जब गाते थे तो फैयाज खान साहब का स्पिरिट विदाउट प्लांचेट उनमें आ जाता था। ग्वालियर का जब घराना गाते थे तो उनकी पगड़ी भी राजा भैया जैसे हिलती थी। अब्दुल करीम के सुर की बात करते थे तो ऐसे आग बंद करके नीचे देखे वो अब्दुल करीम हो जाते थे। और ये सब इसका हमें एक्सपोजर देकर उन्होंने कहा अभी आपका रास्ता आप ढूंढिए। तो बाद में मुझे ऐसे हुआ, कुमार जी ने उनके बुजुर्गों का गुण लिया, मैंने मेरे कुमार जी छोड़कर अन्य बुजुर्गों का भी गुण लिया। मिसाल के तौर पर आज भिंडी बाजार घराने के जो लोग हैं वो मुझे भिंडी बाजार घराने का आदमी समझते हैं और गिंडे भट्ट जैसे लोग आगरा घराने का आदमी समझते हैं। तो ये कुमार जी की देन है कि ये एक एटीट्यूड उन्होंने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको समृद्ध करना है। और आप जो हमेशा एक बात कहते हो कि आप तब उनके फैन थे, हाँ, और उन्होंने रिवर्स गियर डाला कि परंपरा सुनो। हाँ, हम लोग उनके फैन थे, हमको फैयाज का केसर भाई और अब्दुल करीम पसंद नहीं थे, पर उन्होंने हमारा दृष्टिकोण विशाल किया और ये पुराने बुजुर्गों का शोक लगाया। कभी कभी ऐसे, और कुमार जी के वो कहते थे कि मैं इसलिए नसीबदार हूँ तकदीर वाला हूँ कि छोटे मोटे गवाही है जिनके पास कोई एक आध अच्छी बंदिश हो तो कुमार जी को आके मिलके उनको पास उनको देते थे। जैसे ये एक इंदौर के किसी बुजुर्ग ने उनको बंदिश दी है, इसके पीछे की स्टोरी भी कुमार जी ने हमको सिखाई। मुराद खा द ग्रेट बीन प्लेयर, उनका बेटा था बाबू खा, हलीम जाफर्स फादर। तो वो जवानी में बड़े चंचल थे, मटर गश्ती करते थे शहर में, थोड़ी शराब वराब पीते थे, कभी गांजा का भी कस लगाते थे, रियाज करने नहीं बैठते थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो एक बार मुराद का कहीं बाहर गए थे तो ये बाबू का घर में बैठ के, ये बच्चा 17-18 साल का बीन छेड़ रहा था और वो ऐसी छेड़ रहा था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी मेरा भी अनुभव है कि रियाज न करने से गला अच्छा रहता है। तो
तो बाबू का रियाजी तो ऐसे उसने बीन खींची, बिकॉज हिज फिंगर्स वर ऑब्वियसली नॉट टायर्ड, तो उन्होंने बंदिश बनाई। अब ये बातें कहने से, ये कोई हमारे विश्वविद्यालय संगीत परंपरा में ये बातें नहीं मिलती है। आरोह आरोह मिलेगा, ताल की मात्रा कितनी है समझेगा, पर उसके पीछे जिस आदमी ने वो राग में बंदिशें बनाकर अपना शरीर, अपनी भावभूमि उस बंदिश को प्रदत्त की, उसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। जैसे अगर ये सब स्टोरी मालूम हो तो बिन बजाए मायेरी, बिन बजावे मायेरी, बिन जावे ये मायेरी, बिन बजाए मायेरी, बिन बजावे मायेरी, बिन बजा रियाज नहीं करता, इसके लिए बाप का उस पर गुस्सा था, इसलिए लाइन ऐसे कंपोज हुई है। बिन बजावे माये अब बाबू का चोहरवा, गावे निकिता नहीं रे, बिन बजावे माये अब बाबू पर मैंने सोचा कि बाबू खां के आंखों में पानी क्यों आया होगा, ऐसी कौन सी जगह होगी। तो मियाँ की तोड़ी में जब पंचम लगता है ना, तो दैट इज द हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट, तो वो पंचम की जगह देखो इसमें कैसे आती है। ता त्रक दिन दिन ता मद पिए वावे मतवरवा, मद पिए वावे मतवरवा, मद पिए वावे मतवरवा, मुहे ऐसी गलन और पलछिन बजा, बिन बजा। कितना सुंदर तरीका है, छुआ न छुआ, अनछुई छुई मुई, मद पिए वावे मतवरवा, मद पिए वावे मतवर, बात को हमारे रजब अली का कैसे कहते थे उनके शिष्य, मद पिए वावे मतवर, मुहे ऐसी कलन और पलछिन बजा, बिन बजा। इसका मजा अलग है। सो बेसिकली जो फोर्ट फाउंडेशन के अनुदान से हमने आर्काइव किया, उसमें इस तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्थ साउथ इंडियन म्यूजिक, क्योंकि हर आदमी बंदिश जब गाता है तो उसकी पर्सनैलिटी आ जाती है। अभी ये जा जा रे, अब इसमें एंड में जो राइम क्या करता है, पति है, इसको अंतरे में छतिया राइम कर। अब इसके बाद में लंगर खागरिया, लंगर खागरिया, मतलब सब गोपी, जैसे चित्रा सब गोपियां जैसे कोरियोग्राफ्ड गोपी खड़ी है, और उनको मालूम ही है कंकर लगेगा। अरे कंकर में कोई एक देर इज ए सरप्राइज एलिमेंट, अकस्मत क्वालिटी है ना, कि अरे कंकर लग गया। ये बंदिश ये जाजारे को जोड़ गाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने एक रचना बनाई
जो भी कुमार जी को पसंद थी, दो ही फेल्ट इट इज मॉडर्न। तो मैंने मन में विचार किया कि आपने बेगम अख्तर और सहगल को सुना, मैंने मेहंदी हसन और लता मंगेशकर को सुना, तो वो फर्क होगा ही। और मैं बंदिश किसी ये तनिष्क को मैं सिखाऊंगा तो उसके जमाने का जो गाना है उसके हिसाब से उसमें फर्क आएगा। तो एज फार एज बेसिक स्ट्रक्चर डजंट गेट स्पॉइल्ड, जितने मर्जी ये गहने पहने। सब उम्मीदवार लड़कियों को मैं ये उपदेश कर रहा हूं। देखिए अभी रे, इसके बाद बरन कंट्रोल तो जरा बरन जान जा कोयलिया बरन बरन जार जाको यलिया नासता दिन रतियान नासता दिन रतियान। आवेंगे पी जो गए, अब जहां होप है वहां पर पंचम लगाए। कोयलिया नाचदा दिन रति आवेंगे पी जो गए परदेसा जिसे हमारे संवाद फाउंडेशन से प्राप्त और एक 8-10 तोड़ी की बंदिशें हैं, पर तोड़ी पुराण यहीं पर मैं समर्पण करके खत्म कर देता हूँ। दूसरी कुछ और बातें, एक मैंने आगरा और जैसे देखिए कैसे कर तुम्हारे पास मितवाजे मुरी पलिया कैसे कर तुम्हारे पास मितवा। अब जो जानकार है उनके लिए बताता हूँ कि बरवा राग में इट इज देसी प्लस सिंदूरा, इसलिए ये सिंदूरा की तरफ जाता है। ये कुमार जी ने भैया का से सुना था। और ललित जी हैं क्या, ललित राव इस ऑडियंस, क्योंकि उनके सामने ये स्टेटमेंट करने में मुझे मजा आता।
ये अभी भूल गए आगरा घराने के लोग, क्योंकि कुमार जी बहुत बुजुर्ग थे ना, इसलिए जब वो कहते थे कि भीमसेन और आमिर खान अभी अभी गाने लगे, तो पीपल यूज टू फाइंड इट वेरी एरोगेंट, बट वाज अ फैक्ट बिकॉज ही वाज सिंगिंग फ्रॉम 1936। तो बरवाया ने बाजे मोरी पाए लिया। अब कुमार जी के बंदिशों के विषय भी बहुत मजेदार थे, क्योंकि वो देवास में रहे, तो एक वो थोड़ा बड़ा देहात था। व्हेन आई वेंट देयर इन 60s एंड 70s, अब तो इट हैज बिकम इंडस्ट्रियल कॉलोनी। तो जो उनके रोजमर्रा के जीवन के जो किस्से थे उसे वो बंदिश में लाती थी। वो ये कहते थे कि बंदिश में कहने राग, बंदिश में कहने का अधिकार राग को है, पर अगर जाते जाते शब्द भी सुंदर हो, मतलब तुम लकोला हल कलह में मैं मलय की बात रे मन, इतना भारी कव्य बरवा को सूट नहीं होगा। आह जो कतरा आंखों से निकला सो तूफान निकला, शौक कैसे तस्वीर के पर्दे में कैसे हर रंग क्या रकी बे सरो सामा निकला, शौक नहीं कैसे हर रंग रकी बे सरो सामा निकला, ये हमको सूट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग गाते हैं सैया नहीं आए पिया गए परदेश, ताकि गाना सुनने के लिए न गायक पर उसका असर होता है न सुनने वालों पर, तो हम लोग केवल गाने का मजा लेते हैं। तो ऐसी रचनाएं कुमार जी ने सीधे शब्दों में की, मिसाल के तौर पर कि एक जो साल है, वर्ष है, ईयर है, उसका भी अभी जन्म हुआ है और वो अभी एक नन्हा सा बालक भी है और वो अभी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, ये बातें किसने सोची है शास्त्रीय संगीतकारों में? किसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सोची होगी तो मुझे मालूम है, पर गायकों में उन्होंने बरवा में बंदिश बनाई। बाला बरसे कितना सुंदर कल्पना, वारी जाओ रे बाला बरसे करत तोरी अगवानी सब कछु पांगल माग बन बेलरिया हर काये वारी धरत पग पहलो, the new year takes its first step. धरत पग पहलो, जैसे बच्चा अपने बलबुते पर खड़ा होता है। धरत पग पहलो, पुलकिन कूक उठी अमराई, अमराई में आम के बगीचे में कूक उठी है कोयल की, शोक मन मिट्यो बीत गई सब बिसराई, जो बीत गया सो बिसर गया, वारी जाओ रे और वारी जाना नहीं सा, मतलब आज आषाढ़ी एकादशी है वो नहीं, नॉट दैट वारी, महाराष्ट्र में भलैया लेना वारी जाना। एक कुमार जी के पास मैं अट्रैक्ट हुआ, उसका कारण उन दिनों हमारे पिताजी के यहाँ सब वो ख्याल चलता था। बाय द वे मेरे यहाँ मेरा एक किताब अभी
चार महीने पहले निकला है मराठी में गाना गुणगान, इट हैज गॉट 75 QR कोड्स। जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ बुक फॉर स्टूडेंट और एनी कोर्स, मेरा माय म्यूजिकल जर्नी। वो QR कोड लगाने से आपको सुन सकते हैं। तो इंसिडेंटली इन माय बैग 5 कॉपीज उसके थे, अगर किसी मराठी पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट है तो दे आर अवेलेबल ओवर हियर, बाद में आप प्रोग्राम के बाद मुझे मिल सकते हैं। तो उन दिनों मध्यालय कोई नहीं गाता था, सब लोग ख्याल गाते थे या दुरुद बंदिश गाते थे। और मेरा एक अनुभव है कि मैक्सिमम गिमिक्री या टाइम पास विलंबित ख्याल में और दुरुद बंदिश में होता है। मध्यलय जब तक के एज अ डांसर यू वुड ऑल्सो एग्री पर कि अनलेस यू हैव दैट लिल्ट विद इन यू, आप मध्यलय में कोई नाटक नहीं कर सकते। तो कुमार जी की मध्यलय बहुत छा गई थी। हा? अच्छा, इसके मैं मधुवंती के पहले एक देवदेव का उदाहरण दूं कि पहले मधुवंती का। मधुवंती, हाँ, एक कुमार जी का योगदान कहिए, कंट्रीब्यूशन कहिए, वो कहते थे कि मेरा घराना हो मेरे जैसे कोई आवाज लगाए, ये कोई मेरी इच्छा नहीं है। अपना घराना होने में या मैं किसी घराने को बिलोंग करता हूँ, इस बात की घमंड बताने न बताने वाला एकमात्र गायक कुमार गंधर्व था। मानते तो थे वो खुद को गांधर्व महाविद्यालय के विद्यार्थी, पर देवधर जी ने उनको सभी घरानों का वो बताया। और अपना एक आत्मशोध होता है, जैसे कुमार जी काली दिन में गाते हैं इसलिए ओनली फीमेल्स को एकम्पनी ही मौन तानपुरा। एक बार मधुपुर हम लोग गा रहे थे कहीं, तो एक आदमी ने पूछा ये गा तो सब दोनों करेक्ट रहे हैं पर ऐसे कुमार जी का जैसे असर क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा जब कुमार जी ने रेवोल्यूशन किया तब हम लोग अंडरग्राउंड थे क्योंकि मेरा सफेद एक का आवाज है। तो ऐसी एक रूढ़ी बन चुकी थी खास करके महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में मेरी परवरिश हुई, कलकत्ते में क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, पर लोग एक बार बंदिश को लाइक अ पासपोर्ट टू एंटर अ प्रदेश ऑफ राग यूज करके गाके फिर बंदिश को रख देते थे वापस, वो किताब में रह जाती थी। और बाकी अपने को अष्टांग में से अलाप हो, बोलतान हो, तान हो, सपाट हो, गमक हो, तिहाई हो, वो सब उसको चिपका देते। लाइक इन एन एवरेज पंजाबी रेस्टोरेंट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, आप भिंडी ऑर्डर कीजिए या करेला, वो एक ही ग्रेवी में डाल के देंगे। ऐसे कोई भी राग को वो बंदिश एक बार गा देने की, जैसे पासपोर्ट बताने के बाद इमिग्रेशन के बाद अपन अंदर रख देते हैं। इसके मुकाबले कुमार जी ने एक ऐसी गायन शैली विकसित की कि बंदिश में क्या छुपा हुआ है, बंदिश के एक एक पंक्ति में से कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, उसी को उन्होंने गाया। इसके लिए उन पर बहुत बड़ी प्रखर टीका हुई कि ये गाते क्यों नहीं है, ये सुर में है पर सुर का काम नहीं करते हैं, ये लयदार है पर लय का काम नहीं करते। जैसे कई बुजुर्ग गायक हैं और वादक भी हैं कि 75 साल के हो गए, उनको पद्म विभूषण भी मिला, तो भी जितना खुद को आता है वो सब हर एक राग में सब करके बताएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा अपने सब खिलौने घमंड से दूसरे छोटे बच्चे को बताता है ना, मेरे पास ये भी है, मेरे पास बारबी डॉल भी है, मेरे पास और ये भी है, वो भी है। ये कला नहीं हुई, कुमार जी अष्टांग में से किसी एक अंग का उनके उस वक्त के मूड के अनुसार और बंदिश के मूड के अनुसार उपयोग करते हैं। फॉर विच ही वॉज बैडली क्रिटिसाइज, और लोग कहते थे उनको परफॉर्मर नहीं है। माइंड यू अभी उनकी शताब्दी बना रही है और लोग उनका ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ऐसे विचारों के आदमी का ब्रांड नहीं बन सकता। कुमार जी की मुझे क्या मदद हुई, यही मेरे लिए कुमार जी है। उनका ब्रांड उन्होंने खुद ही खुद को रिपीट नहीं किया तो उनका ब्रांड क्या बनाएंगे। रविशंकर और विलायत का यू कैन फाइंड अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द स्टाइल, सो आपको पता चलेगा। अब विलायत का रविशंकर को बैंजो प्लेयर कहते थे क्योंकि वो लय का काम करते थे और मीन नहीं लेते थे और ये बोलते थे कि हम गायकी अंग से बजाते, तो रविशंकर क्या बैल की। रविशंकर ने भी कितना सुंदर स्ट्रक्चरल ब्यूटी दी है, तो पर ऐसे रविशंकर विलायत का स्टाइल बता सकते हैं। जैसे मल्लिकार्जुन मंसूर और भीमसेन जोशी का ब्रांड बन सकता है, बन चुका है, पर कुमार जी का ब्रांड नहीं बना, बनाने वाला मूर्ख है, उनके विचार लेने चाहिए। तो अभी देखिए बैरंद बरखा रे, ये मैंने कई बार गाई है। पने सा ग म ग म प
मध्यले आए बैरना बरघारे तू लंबा मुखड़ा है बैरना बरघारे ऑडियंस भी पढ़ा ना बैरना मधुवंती है तो ऐसे बंदिश अभी आज वक्त नहीं है ये 15-15-20-20 मिनट में कुमार जी ने भी कही और मैंने भी ऐसा ही कही है अंतर सुना देता हूं ता ता भिन ता ता रीम जी मरीम जी मरीम जी मरीम Yeah.
से मुरादियां देखन को तरसे गुनी नायक जो आना मिला वो दो कर ले से एक बात याद आई, ये ऐसी मध्यलय जब उनकी बहुत लोकप्रिय हुई तो सुरेश हलदणकर, वसंतराव देशपांडे, राम मराठे ऐसे लोगों पर उनका बहुत असर पड़ा। तो वसंतराव देशपांडे वॉज डेस्परेट टू हैव हिज कंपनी एंड लर्निंग गेटिंग इनसाइट। तो मैं तुम्हारे पास आके रहना चाहता हूँ, तो ये उन्होंने कोई टेलीग्राम नहीं भेजा, उन्होंने अस्थाई बना के भेजी। और वो अस्थाई में उनकी म्यूजिकल पर्सनैलिटी दिखती है। और ऐसे है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ वो कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, मैं भी कुछ हूँ। जैसे मुझे अगर तनिष तुम्हारे शरण आना है तो मैं आऊँ तोरे मंदरवा, ऐसे नम्र भाव एक रखता ना मैं। वसुंधरा देशपांडे ने कैसे बनाया, मैं आऊँ तोरे मंदरवा, यानी मैं भी कुछ हूँ, बधाई मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मगर मैं आऊं तोरे मन इतना मुश्किल गाने वाला हूं मैं आऊं तोरे मन रवा, मैं आऊं तोरे मन दा दिन दिन दादा, मैं आऊं तोरे मन रवा पैया। अब जिस आदमी के पांव पड़ने जाना है ये तो टांग मार के उसको गिरा रहे हैं। मैं आऊं तोरे मंदर वापैया, परन दे हो मोर मन बसिया, मैं आऊं तोरे मंदर वा तो कुमार जी ने भी इसका जवाब अंतरा बना के दिया, उसमें उनकी म्यूजिकल पर्सनैलिटी दिखती है। कुमार जी गले का काम ज्यादा नहीं करते थे, स्ट्रक्चर का काम ज्यादा करते थे, ठहराव का सुरों का काम ज्यादा करते थे। इसलिए इन हिज ओल्ड एज ही बिकेम हेवी विद द भार ऑफ ट्रू नोट एंड इट्स साउंड, गाने में एक भारीपन आ गया। ऐसा है कुमार जी सब ग्रेट थे ऐसी बात नहीं है, एनालिसिस करने की जब आती है तो कुमार जी को बाद में ऐसी बहुत आदत लग गई कि अभी मधुबंदी चल रहा है तो मैं आऊ तोरे मंदर वा यही है या ये ये ये, ये, ये। बस यही बात है और यही होना चाहिए। इसके कंपैरिजन में कुमार जी एक ही स्पेसिफिक बात को बहुत अंडरलाइन करते थे। व्हाइल आमिर खान यूज्ड टू गिव वेरियस ऑप्शंस, सजेस्ट वेरियस ऑप्शंस, अभी इसमें कौन सी कला अच्छी है, पर कुमार जी के स्वर का एक तो वो काली तीन में गाते थे एफ शार्प में, उसका असर होता था, पर कुमार जी के गाने में कुछ ऐसा एक जकड़ा हुआपन बाद में आ गया था। पर वो सपोज हर किसी का होता है बुढ़ापे में, आदमी उसमें तो नहीं जाता, रेस में तो नहीं जाता, पर कुमार जी ने अंतरा जो बनाया, मैं आऊं तोरे मंदिर वापैया, परन दे ओ मोय मन बसिया, मैं आऊं तोरे मंदिर वापैया।
रे मेरो मड़िया तोरा आहे रे अरे मेरो मड़िया तोरा। सो कंपेयर टू वसुंधरा देशपांडे अमेरिका कुमार जी वाज क्वाइट सिंपलिस्टिक क्योंकि एक फोकस एलिमेंट उसमें था। अब ये लाइन देखिए ना जिसे मैं कुमार जी की पर्सनालिटी कहता हूँ, अरे मेरो मड़िया तोरा आहे रे अरे मेरो मड़िया तोरा, मेरी मढ़ी मतलब मेरा घर तुम्हारा ही है, तुमको मुक्त प्रवेश है। अरे मेरो मड़िया तोरा आहे रे अरे मेरो मड़िया तोरा आहे रे तोरा है रे अरे मेरो मड़िया तोरा आहे रे काहे धरे चरण मेरो काहे धरे चरण में मन बसिया देखिए। जयपुर घराने में जो देव देव बंदिश बनी सावनी की, जयपुर घराने में अलादिया खान साहब की खास कंट्रीब्यूशन क्या है ये समझ लीजिए। अलादिया खान साहब के म्यूजिकल सीन पर एंट्री के पहले ग्वालियर घराने का गाना ऐसा था कि सब कुछ है मगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। जैसे अगर बिहाग है रिकॉर्डिंग सुनी आज भी यूट्यूब पर मिलता है, वो शुरू से तीन सप्तक गाते हैं जैसे मैंने अभी गाया। जनरली किसी भी आदमी का टेप कैसेट या पर यूट्यूब पर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने गाना भी शुरू किया है ये गाने के बीच में कि अभी खत्म करने वाले हैं। कृष्णराव पंडित का समझता ही नहीं है कि इन्होंने शुरू किया कि खत्म करने को है और ये पूरा चक्कर बांधते रहते। दैट वॉज देयर वो एक सांस्कृतिक, क्योंकि ग्वालियर में गवैये गवैयों को सुनाते थे गाना, जैसे मैं आपको आज सुना रहा हूँ ऐसी बात नहीं थी। दोपहर के 12 बजे जिसके घर में चूल्हा नहीं चलता था उस गाने बजाने वाले को घंटा घर के पास जो महाराज खाना खाते थे वो खाना मिलता था, तो गवैया तो गवैया के साथ कुक से भिड़ेगा ना, पहलवान पहलवान के साथ भिड़ेगा, वो अपनी शिवाजी पार्क में फ्री स्टाइल कुश्ती का थोड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा देवीना को बोल के। या आई थिंक शशि वैसबुड़ी है बेटर ऑप्शन, आओ धमाल देखते हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड में अलादिया खान ने, क्योंकि उनके गले में ऐसी हरकतें और मीट नहीं थी, बहुत रियाज करके उनका आवाज बैठ गया था, तो इसको उन्होंने ऐसे किया, इसको उन्होंने ना
बंदिशों में होता है कि लघु अक्षर को भी मात्रा के अनुसार लंबा किया जाता है। विजाविज कुमार जी ने सावरी में जो बंदिश बनाई उसमें जैसे बंदिश के अक्षर है वो लाई ली है, वो टेम्पो लिया है। मिसाल के तौर पर सब लागे रही। इसका जवाब मैंने दिया कि मुझको एक दरस चाहिए ही नहीं, मुझको चारों ओर देखना है। एक निरंजन ध्याव जी बचपन में ठीक नहीं है, वो किस अवस्था में, और कुमार जी उनके 10 कॉन्सर्ट्स में से 2 या 3 कॉन्सर्ट्स में गाए तो एक आध निर्गुण गाते थे। अभी वो निर्गुण तो ब्रांड ही बन गया है, जितने मराठी लोग है वो समझेंगे। कई लोग बम्बई पुणे में निर्गुणी भजन लगा के योगासन करते हैं सवेरे, मतलब अप्लाइड म्यूजिक हो गया ना? एक कोल्हापुर में पहलवान था, वो एक निरंजन ध्याव जी लगा के दंड बैठक करता था। तो उसकी शादी हो गई, शादी तय हो गई तो मराठी में उखाड़ा लेते हैं, मतलब जो द वाइफ सेज द हस्बैंड्स नेम इन अ पोएम बिफोर द मैरिज, नाम लेती है और बहुत शर्मा शर्मा के लेती है। तो जिनको मराठी जान, मराठी जानने वाले कितने हैं यहाँ पर, अरे वाह। तो तिने नाव घेतलं, उसका नाम था गणपत पहलवान, त्यांनी नाव घेतलं की यासनी लई आवडतं एक निरंजन ध्याऊजी, यासनी लई आवडतं एक निरंजन ध्याऊजी, गणपत पहलवानाचं नाव घेते दूजे के संग नहीं जाऊजी। इतना निर्गुणी हो गया है, क्योंकि मेरी निर्गुणी से शिकायत नहीं है। निर्गुण में एक तो शब्द प्रधान गायकी है, उसमें कुंडलिनी के चक्र जागृत होने से जो आनंद होता है उस भावस्थिति का वर्णन है, अनलाइक पतंजलि। पतंजलि योगिक क्रिया बताता है, पर निर्गुणी भजन में म्यूजिकल पोटेंशियल टू इम्प्रोवाइज बहुत कम है, वो सुरों का असर होता है। इसलिए कुमार जी नहीं, कुमार जी होते हुए उन्होंने उसका ब्रांड नहीं बनाया। तो और एक निरंजन ध्याव जी नहीं, मैं तो चारों ओर मुझे देखना है, एक को पकड़ के मैं नहीं बैठूंगी। इस खुन्नस से मैंने रचना बनाई, न भाए दरस एक निरखु रूप अनेक धी ना हा? और इस पर युगन युगन हम योगी में जो एक स्वर लगते हैं मांड के, उसका भी इन्फ्लुएंस है, जो के सामने के करीब है। जैसे कुमार जी ने देव देव से उगता कर दरस मैंने निरस बनाई, ऐसे दरस मैंने निरस से मैंने कई जगह देखने के लिए एक बंदिश बनाई, क्योंकि मेरी जरूरत थी। अभी युगन 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 योगी योगी
ग्रेस की। हम ही सिद्ध, हम ही सिद्ध समाधि, हम ही समाधि, हम ही हम मौनी, हम बोले बोली बोली अपनी बड़ी रूप स्वरूप रूप स्वरूप हरूप दिखा के के पहले सम पढ़ दिए उगड़ा अंतरा और शब्द सुनिए लुभा करके बताया कत्तन धात्र कधीना धिन इसका मुकुड़ा कहीं से भी उठता फ्रॉम ईच हाफ बिट एंड ईच फुल बिट रहना इसे छोटा मुकुड़ा नहीं हो सकता रहना गाँव मगग गाँव मगग मगग सार रहना पमग गम पमग गग गग सार निसा सा सबनी सा गग गाँव मगम मगग सार पानी भरा मगम रा भरा मगम
कुमार जी मैंने डिसाइड किया कि ऐसे ही होना चाहिए। कहता गुनी जब सुनता कहता गुनी जब सुनता कहता गुनी जब सुन राग कमल ताल में खिले। राग का कमल ताल में ही खिलता है और कमल भी तालाब में ही खिलता है, श्लेष है। कहते थे कि ताल गाए गए नहीं है, ताल अभी गाए नहीं गए। कुमार जी एक बात कहते थे कि ताल गाए नहीं गए हैं, अभी ताल गाए गए। उसका मतलब ऐसा नहीं कि लयकारी मारपीट करो, उनका मतलब था देर आर सो मेनी अनएक्सप्लोर्ड बीट्स जिनके मुखड़ा ही नहीं बने हैं। जैसे तीन ताल में धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता त्रक दिन इसलय में 5% कम ज़्यादा हर मात्रा से उठने वाले मुखड़े नहीं हैं, हमारे आर्काइव्स में हैं। जहाँ पे नहीं थे मैंने बनाए। क्यों बनाए कि कुमार जी ने कहा ताल अभी गाए नहीं है, आघात हम उस एक फिक्स जगहों पर ही देते हैं। जैसे अभी क्या मानूँ, हाँ भटी, हाँ एक भटियार में कुमार जी की रचना है सवेरे मेरिकल से देवेन और बेबी को मैं बता रहा था कि झपताल में जनरली पहले मात्रा से मुखड़ा शुरू होता है नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में। अभी धनी रे भटियार का जरा मूड बनाता हूँ। सागर रे
तो अखंड घुंघरू नाद और गायक वादक नर्तक सभी थे। एक कलाकार उठ के जाता है, दूसरा कलाकार आता है, तो विंग में जैसे मिलिट्री मार्च जैसे वो अखंड घुंघरू नाद शिष्याएं करती थी, अखंड घुंघरू नाद। बाद में उन्होंने 8 दिन डांस ही नहीं किया। तो मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा कि अलार्मेली कहती है कि हम संगीत को देह बोली देते हैं, या सुरेश तेंदुलकर सेज कि हम संगीत को तबला एट इट स्पीक शुड गो टू द अनकाउंटेबल रिदम ऑफ वोकल म्यूजिक, ऐसे सब लोग कहते हैं। पर क्या कभी गायक सोचते हैं हमारे गायन में नृत्य महता है? भटियार मारवाश्री में न हो पर कहीं तो हो, तो वो रतनजनकर जी के बंदिशों में है, क्योंकि वो लखनऊ के मॉरिस कॉलेज में प्रिंसिपल थे। हाँ, खैर रतनजनकर जी पर और एक करेंगे सेशन। ये भटियार की रचना सुनिए, नृत्य में था आप पूरा आलाप कर सकते हैं इसमें, पर ऑफ बीट चलेगा। लघु सहज सुंदर है
ऐसी मेरी कई बंदिशें हैं, उनका कभी सुनाएंगे मौका आएगा तो। आई थिंक आई हैव अ धन्यवाद। We had planned any, any question answers ke nahi? I don't think we have the time. We had a hard stop at 9. Yeah, we had planned to end with a video of Kumarji. So I think one thing that's very apparent in this video is jo Madhuvanti gaate samay aapne jo point bataya ki bandish gaane ke baad ek जो पहले से तय किया हुआ एक क्रम है कि अब हम आराप करेंगे, फिर बोल आराप करेंगे, बोलतान करेंगे और ऐसे गाने को आगे बढ़ाएंगे, ये ना करते हुए बंदिश को ही रिपीट कर करके वो कॉन्स्टेंटली बंदिश ही गा रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण एक एक नोट को देखेगा। फिर से लगाने में राग है अडाना और बंदिश है बाहेला आजुरे। पहले ही सेज समथिंग इन मराठी, आई ट्रांसलेट इट राइट नाउ फॉर द नॉन मराठी स्पीकर्स हियर। ही सेज बाहेला, बाहेला मीन्स द लवर, तो जिसके जो बाहू में है, जो बाहू में है वो बाहेला, या जो बाहों में लेता है वो बाहेला। सो बाहेला आज बिलोगढ़ को बाहेला कहा है। हाँ, कि जिसके बाहों में वो है। अब मोसो रहो न जाए, अब तो आ जाओ, नहीं बाहेला अब मुझसे, अब मुझसे रहो न जाए, अकेली मैं डर बहु डर लागे रे, बाहेला आज हो रे। एंड ही सेज इन मराठी कि प्रियकर को बहुत शब्द हैं, अपने को अभी पता नहीं है, बहुत गालियां भी दी है प्रियकर को, लवर को, लेकिन बहुत अच्छा भी किया है। हम लोग नीचे आए फिर We'll end with the video. फिर मैं हाथ दे रही हूँ।
मन आहे अजून काय 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 म्हटलेलं आहे हो श्वेत्र मग दिलेलं आहे प्रश्न नाही पण चांगलं खूप म्हटलेलं आहे Okay.
You have been listening to BIC Talks by Bangalore International Center. If you like what you heard, do follow us on social media. Keep up with our programming by signing up for our mailer on the website or leave us a review or rating on Apple Podcasts or iTunes. The crew that makes these podcasts possible is Gaurav Krishna and Ishan Gupta on sound supervision and production, with support from S. Saranaraj and Raghu Tenkaila. Artwork is designed by Chandni Venkataraman of Crisscross Design Studio. Don't forget to subscribe to our channel on your favorite podcast platform. It can also be accessed on our website, bangaloreinternationalcenter.org. This is Lekha Naidu, signing off on behalf of everyone at BIC.